जिथे दे उच्चे तख्ता ताजा ने राज्या ने कदे किसे दी ईन नहीं सी मन्नी, जिन्हां वल कोई हिंदुस्तान दा राजा अख चक के देखण दी हिम्मत नहीं सी करदा। अंग्रेज भी जिन्हां नूं कदे जित नहीं पाए, उस अफगान कौम नूं कदमा चुकाउण वाला सिख जरनैल हरी सिंह नलवा, दहाड़ मारदे शेर दा मूंह विचाले उपाड़ देण वाला योद्धा हरी सिंह नलवा, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दिया फौजा दा जरनैल हरी सिंह नलवा, जिन्हों वेख के अफगान सलवारा पा पा लुक जांदे सी, तक्कड़ जरनैल सी हरी सिंह नलवा। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो, तुसी मैं हाँ जसनूर तवन। सिद्धू मूसेवाले की मौत तो बाद उसका दूसरा गाना वार रिलीज़ हो चुकी है और कुछ ही घंटिया दे विच कई मिलियन व्यूज़ इस गाने दे खाते दे विच पए ने। लोग इस गाने नू खूब पसंद कर रहे हैं और लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। पिछला गाना SYL दे विच सिद्धू मूसेवाले ने बलविंदर सिंह जटाना का जिक्र किया सी और असी उस बारे दस्या सी कि आखिर वो है कौन, और इस गीत दे विच गीत वार रिलीज़ होया है और गीत दे विच सिद्धू मूसेवाले ने जिक्र किया हरी सिंह नलुए का। आखिर कौन है हरी सिंह नलुआ, जिसने करके जिस दे बारे सिद्धू ने अपने इस गीत दे विच जिक्र किया है, आओ उन्हां दे जीवन बारे थानू कुछ दसते हैं, उन्हां दी जीवनी दे विच एक झात मारदे हैं। वीर नायक सरदार हरी सिंह नलवा एक अजिहा रण विक्रम योद्धा सी जिसने उन्हें अफगाना तो ईन मनवा ली सी, जो पिछले 800 साल तो दरा खैबर दे रस्ते दाखिल होके भारत की पत्त लुटते आ रहे सन। नलवा सरदार शस्त्र धारण करके जिद्दर नू नज़र उठाउंदा वैरियां दे सा सुक जांदे। उसके हाथ विच लिशकदी तलवार की चमक वेख के प्रचंड अफरीदिया नू कंबनी छिड़ जांदी, उन्हां दे रंग पीले पै जांदे। उसका सामना करनो अपने आप नू असमर्थ समझते हुए युद्ध भूमि तो खिसकण दा राह लभण लगदे। सरदार हरी सिंह नलवा दा जीवन ब्रितान भारत के इतिहास की गौरव गाथा है, जिसनों सुन के पढ़ के आलसी सुभा वाले भी उत्साहित हिम्मती हो जाते हैं। वो एक दिग विजयी सुरमा से जो कदे भी किसी युद्ध में हारिया नहीं सी। उसका जीवन ब्रितांत सुरबीरता ते सजीवता का इतिहास है। मिस्टर NK सिन्हा अपनी लिखत तारीख दे विच लिखते हैं कि सरदार हरी सिंह दे नां नलवा उपनाम इसलिए प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उसने शेर नू हत्था दे नाल मरोड़ के मार सुटिया सी। इस महान जरनैल का जन्म 1791 ईस्वी दे विच सरदार गुरदयाल सिंह उप्पल जी दे घर गुजरांवाला विखे होया। परमात्मा वल्लों ही उन्हां नू अजिही बुद्धि प्राप्त होई कि आप जो एक बार देख जां सुन लैंदे उस नू चट अपने हिरदे दे विच वसा लैंदे, और लगभग 15 साल की उम्र आपने देखो देखी सारे जंगी करतबा विच प्रवीणता हासिल कर ली। इस दे नाल ही फारसी ते गुरमुखी दी लिखत पढ़त विच भी काफी योग्यता प्राप्त कर ली सी। सन 1805 दे विच बसंती दरबार दा इकट्ठ होया जो महाराजा रणजीत सिंह ने करतब दिखाउण लई कराया सी। इस विच हरी सिंह नलवे ने पहली बार अपने करतब दिखाए, जिस तों बाद महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हां नूं अपनी फौज दे विच भर्ती कर लिया। 1807 ईस्वी दे विच कसूर दी फतेह समय सरदार हरी सिंह ने महान वीरता दिखाई, जिस दे नाम वजो आप जी नूं जागीर मिली। 1810 विच मुल्तान उत्ते चढ़ाई करन लई खालसा फौज नूं उन्हां वल्लों ही हुक्म दिता गया सी। 1818 ईस्वी विच मुल्तान दी अखीरली फतेह ते फिर कश्मीर जित्तण विच आपने वड्डे कारनामे कीते। इस तों इलावा नशहरे ते जहांगीर दी जंग विच बड़ी निडरता ते जंगी हुनर नाल सरदार हरी सिंह ने फतेह पाई। सन 1834 ईस्वी दे विच शेरे पंजाब ते सरदार हरी सिंह नलवे ने फैसला कीता कि पेशावर ते सरहदी सूबे जिन्नी देर तक खालसा राज विच नहीं मिल जांदे, उन्नी देर तक पंजाब ते हिंदुस्तान नूं विदेशियां ते धावियां तों छुटकारा नहीं दवाया जा सकदा, भाव सूबा पेशावर नूं अफगानिस्तान नालों कट के पंजाब नाल मिला लिया जावे। इस तो बाद 27 अप्रैल सन 1834 ईस्वी नू सरदार हरी सिंह ने बड़ी सफलता नाल दरिया अटक तो बेड़िया राही खालसा फौज पार कराई। उधर पेशावर दे हाकमां ने भी तुरत फुरत खालसा फौज नू रोकण लई चमकनी दी हद ते मोर्चा बना के तोपां बीड़ दित्तियां अते पेशावर दे राह नू काबू विच कर लिया। 1834 ईस्वी नू बाद दोपहर तक जित दा बिगल वज चुका सी ते पेशावर उत्ते सिंघां दा अधिकार हो चुका सी। हुण सारा सरहदी इलाका खालसे दे अधीन हो गया और 7 सदियां तो बाद पंजाब दा कट चुका अंग मुड़ पंजाब दे नाल जुड़िया।
खालसे दे इस महान करतब नू कई इतिहासकारा ने करामत दा नाम भी दित्ते। पिशावर जित्तन तो बाद सरदार हरी सिंह नलवे ने सब तो पहला हिंदुआ ते सिखा उपर औरंगजेब ने जो प्रति सिर एक दीनार जजीजिया लाया होया सी पूरी तरह हटा दिता। ए वधिया प्रबंध नू देख के महाराजा रणजीत सिंह ने सरदार हरी सिंह नलवे नू पिशावर दे सूबे दे विच अपना नाम दा सिक्का चलाउण दा भी हुक्म दिता और ए वडियाई सरदार हरी सिंह नलवे नू दूसरी वार मिली सी। नवंबर विच महाराजा रणजीत सिंह दी फौज ने मुंगेर ते डेरा जात दे कब्जे वास्ते चढ़ाई की थी। राह विच 9 नवंबर 1821 दे दिन मंगली घाटी विच पकली पिंड दी जू विच 30,000 तनावली कौम दे लोकां दे लश्कर ने राह रोक लिया। नलवे ने इस्माइल इकबाल बट ते तन्ना सिंह मलवई नू भेज के समझाउण दी कोशिश की सी पर जद उन्हां रात देण तो कोर ही ना कर दित्ती फिर सिखा फौज ने हमला कर दिता। सरदार हरी सिंह नलवे ने 3 अप्रैल नू जमरौत दे जंगी मैदान विच पहुंच के अफगाना उपर हमला कर दिता। अफगान इस गल तो अवेसले सन के इस हमले विच नलवा भी है। पहले ता ओ इस हमले नू जोश नाल रोकते रहे पर जदो सरदार हरी सिंह नलवे बारे पता लगा तो उन्हां दे हौसले टुट गए। अफगाना नू भजड़ पै गई। इस तरह अफगाना चारों पासों सरदार हरी सिंह नलवे ने 4 तोपा भी खोलियां। जो सारे अफगान दौड़ के छिप गए सी तां सरदार हरी सिंह नलवा ने सोचा कि हुण खालसा फौज नू किला जमरौत दे कैंप विच ले जा के आराम दिवाया जाए पर सरदार निदान सिंह पंच हत्था जित दे जोश विच वैरिया दे सिर होया दड़े दे अंदर चले गए। सरदार हरी सिंह नलवे दा बॉडीगार्ड सरदार अजायब सिंह गुफा वल वध्या तां गुफा विच छुपे अफगान ने अजायब सिंह दी गोली मारी। बॉडीगार्ड उत्थे ही ढेरी हो गया। उस तो बाद जदो आप जी ने अपना घोड़ा अगे कीता तां गुफा विच होर गोलियां चलियां जिस विच 2 गोलियां हरी सिंह नलवे दे भी लगियां। इन्ने नू बाकी सवार भी उत्थे पहुंच गए अते वैरियां नू चुन चुन मारिया पर जेड़ा भाना वर्तना सी ओ वर्त चुका सी। फटड़ होण दे बावजूद बड़े हौसले नाल घोड़े दियां वाघा किला जमरौत वल मोड़ लईयां अते सिद्धे किले विच पहुंच गए। सरदार महा सिंह ने ध्यान पूर्वक नलवे नू घोड़े तो उतारिया। अपनी हालत नाजुक वेखी तां अपने सारे पुराने साथियों नू बुला के इन्हां काले परबदा विच खालसाई झंडे दी इज्जत आबरू कायम रखण लई अखीरले स्वासा तक डटे रहण दी प्रेरणा भी कीती। इह आख्या कि मेरी मौत दी खबर गुप्त रखणी इस नाल खालसे दी फौजी शक्ति बरकरार रहेगी। अगे होर भी बहुत कुछ कहना चाहुंदे सन पर गल पूरी ना कर सके अते भौर उडारी मार गया। इह समां 30 अप्रैल 1837 दी रात दा सी। सरदार महा सिंह ने सरदार नलवे दी आखरी इच्छा अनुसार भेद गुप्त रखण लई ते रातों रात किले दी चढ़दी नुक्कर वल सादे ढंग नाल कनाता दे अंदर संस्कार कर दिता।